सो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ असील और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज लोग ने देखा रहेगा डिस्क्रिप्शन पे कोटक सिक्योरिटीज से रिलेटेड। तो आप लोग से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में हम लोग पूरा पूरा डिसाइड करेंगे और आप लोगों की मैं मतलब आपको यकीन हो इसलिए बताना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड है और मतलब हम लोग इसमें बहुत इन्जॉय भी करेंगे, बहुत मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले कोटक के कुछ मतलब बताता हूँ बेनिफिट, क्योंकि आप लोगों के पास देखिए कंपटीशन है बहुत सा चालू, जैसे अब स्टॉक्स हो गया, जीरोदा हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICX हो गया और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जिसमें डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, बट सबका अपना अपना अलग अलग एक चार्जेस है, ठीक है। तो बेसिकली कैसा मैं काम करता हूँ कोटक में, तो आप लोग सोचेंगे कि कोटक की तारीफ करेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरा अकाउंट है जीरोदा में, कोटक में काम करता हूँ। कोटक में अभी तक अकाउंट नहीं था, बट ये वीडियो में आपको मैं ओपन करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए आज का ये वीडियो मैं प्रॉपर बना रहा हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था बनाने का, लेकिन आज इंशाल्लाह हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटक की अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ क्या है। तो कोटक की मोस्टली मैं सब अच्छाई आपको बताता हूँ अभी क्या है। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है आपने देखा होगा, जीरो दर 200 रुपीज़ लेता है। आप स्टॉक्स का मेरे पास अकाउंट में बताने हैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट ये है कि यहाँ से एक वाउचर निकला है जो कि हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि अकाउंट ओपन होने के बाद ना आपको 3 दिन के बाद ईमेल के ऊपर एक प्रोमो कोड आता है, जो कि आपको स्टॉकेज और ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या फिर मैं आपको स्क्रीन पर अभी आगे दिखाता हूँ। स्टॉकेज और ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद कैसा है कि आप लोग अगर इस चीज़ में अगर बिगिनर हो तो आप लोगों को ना स्टॉक कोटक की तरफ से प्रोमो कोड वहाँ पे डाल के आप जब डालोगे तो आपको सिखाया जाएंगे ट्रेडिंग कैसा करते हैं, ओके। बिगिनर लोग के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, 999 रुपये का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सिखा देंगे, ओके। तो बहुत अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आपके हर डाउट क्लियर होंगे, आपको जो भी पूछना है आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा एक कोर्स है। थर्ड जो बेनिफिट है क्या है कि IPO, SIP, म्यूचुअल फंड, इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसके अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। पैसा नहीं देना है तो आप लोग को क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं HDFC के बैंक हो गए, एयरटेल के हो गए, बहुत से ऐसे से पेनी स्टॉक्स है और बहुत से अच्छे रिलायंस एयरटेल वगैरह, डिपेंड करता है आप पे। आप 10 रुपये से 15 रुपये से भी लेना स्टार्ट कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। और फोर्थ जो इसका बेनिफिट है ना, कैसा है कि अगर आप लोगों ने देखा है ना, मैंने यूज़ किया हो, जीरोदा था, 2 बार ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन मोस्टली आता है सेल्फी क्लियर नहीं है फिर या फिर पैन कार्ड क्लियर नहीं है, उसके रिलेटेड हम लोग का आता है ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन आते आते एक्चुअली हुआ कैसा कि तकरीबन 4-5 दिन लगे अकाउंट ओपन होते थे, बट कोटक का बेनिफिट ऐसा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो तो आपको सिर्फ जाना है कोटक की वेबसाइट पर, और अकाउंट जैसे आपका ओपन होता है ना गाइस, तो अकाउंट ओपन होने के बाद आप लोगों को एक मैसेज आता है, 10 मिनट के बाद आप लोगों को एक मैसेज आता है आपके ईमेल पे। वो ईमेल जैसे आप लोगों का मतलब हो, 10 मिनट के बाद आपका अकाउंट जैसे लॉगिन हो गया तो आपको ईमेल पे यूजर नेम पासवर्ड आता है। ट्रेडिंग स्टॉक करके ऐप एक ऐप है, मैं आपको सब बताऊंगा ओपन अकाउंट का भी, इसके बाद जो प्रोसेस आएंगे वो, तो वो आपको वापस यूज 10 मिनट के जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है वह इंट्राडे, यहाँ से आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री है। जी आप सही सोच रहे हो, यहाँ से आपको इंट्राडे लाइफ टाइम के लिए फ्री है, 2 मंथ्स के लिए डिलीवरी भी फ्री है। डिलीवरी का चार्जेस भी मैं बता देता हूँ, 2 मंथ्स के बाद डिलीवरी का आपको चार्जेस जो लगेगा वो है 0.25%। 1 लाख रुपये पे 0.25 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया जी, लेकिन आपको लगेगा बाय साइड भी और सेल साइड भी। लेकिन इंट्राडे में अगर FNO कर रहे हो, करेंसी कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, तो इसमें आपको लगेगा 0%, और डिलीवरी कर रहे हो तो आपको लगेगा पर ऑर्डर 20 रुपीज़। हो सकता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो आपके लिए एक जो बहुत अच्छा जो मतलब जो लिंक है रेफर का, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो ना गाइस, तो अकाउंट ओपनिंग के बाद ना आप लोगों को एक रेफर का स्कीम है। आप लोगों को अकाउंट ओपन होते ही ना आप लोग कोटक से ही फ़ोन आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं क्या रेफर। तो रेफर का क्या होता है एग्जैक्टली, उसमें आपको लगता है पर पर्सन, जैसे आप किसी का नंबर देते हो, आप महीने में 3 जन के नंबर दे सकते हो, और पर पर्सन उनका अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मिलता है 500 रुपीज़। तो आप लोग 1500 रुपये तक रेफर में कमा सकते हो। यस, 1500 रुपये बहुत अच्छा मौका है अगले महीने में फिर वापस से। तो ये था कुछ हम, मेरा मतलब बताने का ये था तरीका क्या, इतने सब कोटक को आपकी तरफ, आपको कोटक की तरफ से इतने सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट ओपनिंग की बात आती है, तो अकाउंट ओपन कैसा होता है इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ओके। सो अभी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एक बार।
सो अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। स्टॉक है जहाँ पे आप लोग जाके ये प्रोसेस सीख सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग आपको सिखाई जाती है। तो अभी हम लोग चलते हैं अकाउंट ओपनिंग की तरफ। तो आप बेसिकली गूगल पर आना है और सर्च करना है www.kotaksecurities.com। स्पेलिंग आप लोग देख लो, मैं लिंक में भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। ये प्रॉपर स्पेलिंग डालूंगा तो आप डायरेक्टली पेज पर जाऊँगे। देखिए मेरे पास पहले से, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। देखिए तो आप लोगों के सामने ना डायरेक्ट ये शो होगा पेज, ओपन फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जीरो ब्रोकरेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अभी देखते हैं। एज पर दी पैन कार्ड आपको आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर, सिटी नाम डाल के ओपन एन अकाउंट करना है। तो हर बार ऐसा कभी कभी होता है कि शॉर्टली ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर आना है और सर्च करना है कोटक स्टॉक ट्रेडिंग। तो देखिए कभी कभी कोटक 811 पे जाते हैं कोई गलती से, तो उस पर नहीं जाना है, बैक आना है। मैं नीचे पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसके ऊपर जाके खाली क्लिक करना है। देखिए अभी दिखेगा कोटक स्टॉक ट्रेडिंग, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, NSE और BSE वाला। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ओपन एन अकाउंट पे जस्ट क्लिक करना है, और ओपन एन अकाउंट करने के बाद ना फिर से वो पेज शो होगा। तो आपको यहाँ पे डालना है एज पर दी आपका पैन कार्ड नेम, मोबाइल नंबर, सिटी और ईमेल आईडी। अब इसको हम लोग करते हैं वेरीफाई। तो अभी आपको इधर दो OTP आता है, एक आता है SMS पे, तो देखिए SMS का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और दूसरा आता है ईमेल आईडी पे। तो हम लोग ईमेल आईडी का भी हो गया डाल देते। अभी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले लगता है पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये डाल के हम लोग को करना है नेक्स्ट। फिर सेकंड जो आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको एज पर दी फादर नेम पैन कार्ड नाम डालना होता है आपके पैन कार्ड पे ऐसा वो, मदर नेम, मार्शल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड, ऑक्यूपेशन आप कितना पढ़े हो वो, और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो या फिर नन, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। थर्ड जो स्टेप आता है वो है प्रूफ ऑफ बैंक, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल के सर्च पे क्लिक करना होता है। बाकी की पेंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, देखते हैं अभी करके, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट हो गया, और मेरा मतलब पहले से डिजी लॉकर का हो गया, अभी नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सेल्फी और सिग्नेचर। इसके अंदर आप लोग को क्या करना है, कैमरे पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, फ्रंट और रहता है बैक। तो यहाँ पे सेल्फी ले लेना है। सिग्नेचर के भी दो ऑप्शन है, एक तो आप कर सकते हैं स्क्रीन पे डायरेक्टली, देखिए मैं कर रहा हूँ ये, और दूसरा जो ऑप्शन है नीचे आप लोग थोड़ा होंगे तो अपलोड करके ऑप्शन है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हो या फिर गैलरी में पहले लेके रखना है। यहाँ पे आके आप लोग अपलोड कर सकते हो, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, पर एज पर दी पैन कार्ड करना है आपको। तो लास्ट जो ऑप्शन आता है अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस में पूछा, तो ई साइन का आता है। उसके पहले देखते हो कुछ पूछता है कि अभी इधर नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे टू ऑप्शन है, डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिव करना है तो यस और नो, यस करके देखते पहले क्या है। यस में हम लोग देख रहे हैं अभी क्या क्या आता है, तो हम लोग करते पहले इसको यस एक्टिवेट लेटर। तो इसमें 6 डॉक्यूमेंट एक्चुअली रिक्वायर रहते हैं, हम लोग देखते क्या क्या वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इसके अंदर। तो अभी इसको यस करता हूँ मैं, देखता हूँ। देखिए 6 डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो चाहिए बैंक सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट रिसीव फॉर्म, 69 ITR फॉर्म, नेटवर्क सर्टिफिकेट और DP स्टेटमेंट। अगर है तो ठीक है, या तो फिर आप लोग कर सकते हो नो एक्टिवेट लेटर, या तो फिर आप लोग service.securities.com पे जाके भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। फिलहाल नो एक्टिवेट लेटर करते हैं हम लोग इसको, और नो एक्टिवेट लेटर करके बढ़ता है ये आगे, जिसके बाद आपको एक लास्ट फॉर्म शो होता है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में करना है। नीचे आपको देखो ई साइन एंड सबमिट लिखा हुआ मिलेगा, तो हम लोग इसको देखते हैं अभी नीचे जाके क्या है। लास्ट में ई साइन एंड सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होता है, आधार कार्ड का नंबर डालता हूँ, तो NSDL के पेज पर हम लोग पहुँचते हैं, OTP से वेरीफाई करना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो मैं तो इधर अभी एक्चुअली कर लेता हूँ, आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे हम लोग अभी यहाँ पे। तो ई साइन के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 जो ऑप्शन है ना, फॉर्म वेरिफिकेशन, फॉर्म अप्रूवल, अकाउंट ओपन, ये 3 पे डॉट हुआ तो आपका अकाउंट ओपन है। यूज़र नेम और पासवर्ड फिर आपको मिल जाता है, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया यहाँ पे, देखिए। सो होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो मैं यही बोलना चाहता था कि कोटक इसलिए बेटर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद से तो कुछ अपडेट आया है, बट मैंने तो आपके सामने लाइव किया अपडेट ऐसा है कि आप लोग स्टार्ट करूँगा तो बैंक प्रूफ से स्टार्ट होगा, और कभी कभी डिजी लॉकर अपने आप फिल होता है बाय चांस, और कभी कभी ऐसा है कोटक का हम लोग करते हैं तो सर्वर इशू आता है। तो सर्वर इशू में मतलब कैसा होता है कि कभी कभी ना डिजी लॉकर पे आप OTP डालते हो तो चलता नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनना। उसके नीचे होता है OKYC, ऑफलाइन KYC, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, स्टेप 1 पे लिखा हुआ होता है UIDAI वेबसाइट, ठीक है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आता है आधार नंबर और एंटर कैप्चर्स लाइक ABCD, जैसे कि हम लोग प्ले स्टोर वगैरह का पासवर्ड भूलते हैं तो डालते वैसा डालना है। तो स्मॉल स्मॉल में कैप्चर में डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे जैसे आपने क्लिक करा, आपको सीधा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है,
वहाँ पे आपको डालना है वो ओटीपी, और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखेगा, नीचे दिखेगा डाउनलोड, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे ना तो ये फाइल है ना आपकी डाउनलोड होंगी आपके फाइल में। बट ध्यान रखना आईफोन वालों के लिए खास बोल रहा हूँ कि कभी कभी फाइल कहा जाती है, इसलिए आप लोग उसको ऐसी जगह पे सेव किया जहाँ पे आपको मतलब मालूम पड़े कि कहाँ पे सेव है। और हो सकता है कि आपको उधर पूछता है, मोस्टली पूछता है एंटर सिक्योरिटी कोड, तो 1234 या आपको जो जो भी कोई चार नंबर है वो डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक बार बैक करना है, उसके बाद वापस से एक बार बैक करना है, दो बार बैक करोगे ना आप तो वहाँ पे आएगा अपलोड जिप फाइल। अपलोड जिप फाइल में आपको जाना है, फाइल में जाना है, ये फाइल अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। ये जैसी हो गया तो आपका ये फंडा हो जाएगा क्लियर। लास्ट ऑप्शन जो आता है उसका आता है ईसाइन सबमिशन का, तो ईसाइन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मानता हूँ ये वीडियो मेरा कंटेंट करना है, बट मैं इसमें काम करता हूँ, मैं कलर ऑफ पब्लिक को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा था, मेरे को भी मजा आया बनाने में, और इंशाल्लाह होप करता हूँ कि आप लोगों को भी मजा आए। तो बोलना चाहता हूँ अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी क्वेरी आए, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ, नंबर भी डाल रहा हूँ मेरा, कुछ भी आपको इशू आया तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी कुछ आपको जानना है मैं इसमें आपको सब बताऊँगा, उसमें आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कुछ बताना चाहता था, तो मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, सबके शेयर कीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो आपको देखना है, और हो सके तो इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। अभी तो ज़रा थोड़ा जॉब पे तो थोड़ा अवेलेबल नहीं था, अभी इंशाल्लाह थोड़े वीडियो आएंगे, अच्छे अच्छे आते रहेंगे, फूड से रिलेटेड ही ज़्यादातर आएंगे क्योंकि हमारा कंटेंट ही मेन है। तो उम्मीद करता आप लोग को वीडियो अच्छी रहेंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, लव यू।